आज हम लोग पढ़ेंगे सेफ़ अनसेफ एंड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑब्जेक्टिव जो हम लोग इसमें कवर करेंगे सेफ़ अनसेफ एंड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन सी है उन ड्रग्स के फंक्शन क्या है और साइड इफेक्ट्स क्या है उनका फ़ीटस के ऊपर तो जिस तरह आप इसमें देख सकते हैं टेबल में जो सेफ ड्रग्स इन प्रेगनेंसी उनके फंक्शन एंड साइड अफेक्ट्स इन फीटस तो नंबर फर्स्ट पे है एनाजेसिक ड्रग्स एनलजेसिक ड्रग्स के ना हमारे पास पैरासीटामोल पैथीडीन एंडोमैथासन एलोप्यूरिनॉल जो इनको फंक्शन क्या इनके एनालजेसिक्स पेन के लिए दी जाती है एंटीपायरेटिक्स फीवर को रिड्यूस करने के लिए दी जाती है क्रोनिक आर्थराइटस जॉइंट पेन के लिए दी जाते हैं एंड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स के लिए दिया जाता है गाउट एंड किडनी स्टोन्स के लिए साइड इफेक्ट्स इनके क्या होते हैं नो फीटल एबनॉर्मिलिटीज़ कोई एबनॉर्मिलिटीज़ नहीं होती फीटस के अंदर और ये एडमिनिस्टर किए जाते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर सिक्स टू एट आवर्स बिफोर डिलीवरी सेकेंड पे हमारे पास आता है गैस्ट्रो इंटस्टिनल एजेंट जिसके अंदर हमारे पास लेगज एंटी एमेटिक एंटी एंटीडायरियल आ जाता है जो कि बेनिफिट इन कॉन्स्टिपेशन है इनहिबिट करता है एक्शन ऑफ एमेटिक्स वॉमिटिंग को रोकता है एंड डायरिया को नॉन टेराजोनिक एडवर्स अफेक्ट इसका होता है ट्रीटमेंट ऑफ मॉर्निंग सिकनेस है ड्रग ड्यूरिंग फर्स्ट टाइमस्ट दिया जाता है एंड एंटी स्पाजमोटिक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थर्ड पे हमारे पास आता है एंटी एस्थमेटिक एजेंट जो कि एफेड्रीन एमिनोफिलिन एंड टेराबूटलिन है जो कि एस्तम है फीवर ब्रोंकियल एस्तम क्रोनिक एस्तम के लिए दिया जाता है इसका कोई एडवर्स अफेक्ट नहीं है और ना ही टेराटोजेनिक अफेक्ट है एंटी फोर्थ पे हमारा एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट जो कि मिथाइल डोपा हाइड्रोलजीन एंड लिडोकेन आ जाता है जो कि हाइपरटेंशन में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में कार्डिक एरथमियाज में दिया जाता है और इसका भी कोई एडवर्स अफेक्ट नहीं होता अब इसमें हम लोग देख लेते हैं जो टेराटोजेनिक अफेक्ट क्या होता है

तो हमारे पास एंटी ट्यूबरल एजेंट आ जाता है जिसमें आइसोनेजेड जो कि ट्यूबरगलोस इन्फेक्शन ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसका भी कोई एडवर्स अफेक्ट नहीं है एंटी कोगुलेंट्स में हैपरिन आ जाता है एंटी कोगुलेंट एक्शन करता है उसका भी कोई एडवर्स अफेक्ट नहीं है सेवन पे डायरेटिक्स फोरसेमाइड जो कि एडिमा एंड मटेर इलनेस के लिए जा, दिया जाता है और इसका भी कोई एडवर्स अफेक्ट नहीं है एट पे हमारे पास मिसेलेनियस ड्रग्स आ जाते हैं जो कि टेटनस प्रोबेनेसिड कैल्शियम एंड विटामिन डी जो कि एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक काम करते हैं रेगुलेट करते हैं बैलेंस ऑफ सॉल्ट को इसका भी कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है और ये एडमिनिस्टर किया जाता है सेकेंड एंड थर्ड प्राइमिनिस्टर के अंदर नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे अनसेफ ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंटी एस्थमिक एजेंट में क्रोमोलिन सोडियम कॉटिस को आ जाते हैं जो कि प्रोफालेक्सिस इन ब्रोंकियल एस्तमा के लिए इस्तेमाल किया जाते हैं साइड इफेक्ट का होता है स्लो डाउन करता है फीटल ग्रोथ को और इसका कोई टेराटोजेनिक अफेक्ट नहीं है माल फॉर्मेशन एंड रिटार्डेशन नहीं है सेकेंड पर हमारे पास गेस्ट्रो इंटेसिनल एजेंट में एंटीसिड एलोमिनियम हाइड्रोक्साइड सोडियम बाईकारबोनेट एंटी साइक्लिजीन हाइड्रोक्सीजीन प्रोक्लोरपेराजीन ब्लॉकर्स, सेमिटिडीन एंड टनिटीडीन जो कि रिलीफ करते हैं स्टमक एसिडिटी को नोसिया नोसिया वॉमिटिंग को एंड एसिड रिड्यूसर है एडवर्स अफेक्ट क्या करता है अगर फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाए तो एडवर्स अफेक्ट करता है वरना नहीं करता है थर्ड पे हमारे पास एंटी माइक्रोबियल जो कि क्लोरफेनिकॉयल है नाइट्रियो नाइट्रोफ्यूरटन सल्फोनामाइड जो कि रिलीफ करता है टाइफॉइड का यू टी आई को यूरनरी ट्रैक इन्फेक्शन साइड अफेक्ट क्या है ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है बोन मेरोडिप्रेशन एंड हिमलिसिस होते हैं फोर पे एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट में स्टेप्टोमाइसिन जो कि यूज होता है ट्यूबरकलोसिस में माइनर अफेक्ट होता है अगर ये प्लासनटा क्रॉस कर जाए एंटी हाइपरटेंसिव ट्रग्स में डाइक्सोक्साइड एंड कैप्टोप्रिल जो कि एज ए वेजोलाटर काम करते हैं और हाइपर में यूज़ की जाती हैं डैमेज टू द फीटर्स कॉज करती हैं बाय रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर नेक्स्ट हमारे पास फाइव हम पिछले पहले डिस्कस कर चुके हैं पीछे सिक्स पे चलते हैं डायबोटिक्स एथाक्रेनिक एसिड जो कि एडिमाइंड हाइपर में यूज़ किया जाता है डिक्रीज़ करता है प्लासेंडल प्रफ्यूजन सेवन पे कार्डियो ड्रग्स में कैल्शियम एंटाकोनेस्ट वेरापेमिल जो एंड नफिडपिन जो कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं और सेफ होती हैं लेकिन बस चेक करना पड़ता है फीटस को नसेसरी एट पे हमारे पास एंटी मलेरियल प्रीमिक्विन मलेरिया एंड निमोनिया में दिया जाता है एनीमिया न्यूनेट्स कॉज करता है नाइन्थ पे एनर्जिसिक्स सेलीसाइलेट्स पेन रिलीवर है न्यू प्लेटलेट डिसफंक्शन कॉज करता है एंड डिक्रीज बर्थ वेट करता है टेंथ पे मिसलिनियस फिनॉइटिन फिनोबारबिटोन एंड सोडियम वेलपोरेज जो कि रिड्यूस करते हैं सीजर्स इन एपिलेप्सी और साइड इफेक्ट क्या है माल करते हैं नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फ़र्स्ट पर एंटी कोगुलेंट्स में वार्फ्रेन एंड कोमेरिन फंक्शन क्या कहते हैं प्रिवेंट करते हैं कोगुलेशन को साइड इफेक्ट क्या होता है इसका मेंटल रिटार्डेशन इन फीटस करता है कॉन्जनटल मालफॉर्मेशन आई एंड अदर एबनॉमेटीज़ कॉज करता है सेकेंड पे हमारे पास आता है एनालिसिक्स जो कि कॉलचिसीन हैं यूज इन गोट एंड अर्थराइटस हाई रिस्क मिसकरेज करता है एंड टेराटोजेनिक अफेक्ट करता है गोट क्या होता है कॉमन फॉर्म ऑफ इंफ्लेमेटरी अर्थराइटस है जो कि बहुत पेनफुल होता है थर्ड पे हमारे पास आता है एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट पायरिजीनामायड एंड एथोमाइड जो कि ट्रीट करते हैं ट्यूबरकुलस को एडवर्स अफेक्ट होता है इनका लीवर के ऊपर एंड टॉक्सिसिटी कॉज करता है फोर पे हमारे पास आता है गेस्ट्रो इंटेसिनल एजेंट जिसके अंदर लेगजेटिव कॉस्टर ऑयल डाए सोडियम फॉस्फेट एट्रोपीना जाता है जो कि कॉन्स्टिपेशन एंड इन स्टमक के लिए यूज होते हैं हाई रिस्क ऑफ मॉल फॉर्मेशन करते हैं टेकिकार्डिया यूनरी टेंशन हाइपरथर्मिया इन यूनिट्स कॉज करते हैं फाइव पे हमारे पास आता है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट जिसमें रेजरपीन एंड नाइट्रोप्रोसाइड है ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक हाइपरटेंशन है कॉज करता है फीटल डेथ या क्यूट हाइपोटेंशन इन फीटस सिक्स पे हमारे पास है डाइबिक्स डायरस में क्लोरथाइजाइड है यूज इन एडेमा है बोन मैरो डिप्रेशन एंड थ्रोम्बोसाइडोपिनिया कॉज करता है डायबिटिक्स क्या है हैं जिनको वाटर पिल्स भी कहा जाता है हेल्प करते हैं रिड योर बॉडी ऑफ साल्ट सोडियम एंड वाटर नेक्स्ट हमारे पास है नंबर सेवन पे एंटी माइक्रोबियल के अंदर टेट्रासाइक्लिन आ जाता है जो कि यूज्ड इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और साइड इफ़ेक्ट क्या कौन करता है कैल्सिफिकेशन ऑफ़ बोन्स करता है या डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन इन्फेंट्स करता है एट पे हमारे पास औरल हाइपोगिक एजेंट सल्फोनाल यूरिया एंटी है मालफॉर्मेशन एंड फीटल डेथ कॉज करता है नाइन पे हमारे पास आता है एंटी मलेरिया ड्रग्स क्वाइनाइन है ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया है जो कॉज करता है अबॉर्शन या प्री लेबर टेन पे हमारे पास आता है सीडेटिव ड्रग्स डाइजिपाम एंड क्लोडाइजिप ऑक्साइड जो कि स्लीप इंड्यूसर एपिलेप्सी में यूज होते हैं कॉज करता है क्लेफ्ट लिप्स एंड न्यू न्यूटल्स ये एन एस डिप्रेशन एंड कार्डिक कॉज करता है नंबर अलेवेंथ पे मिसलिनियस ड्रग्स जो कि एंटी थायरॉइड लिथियम एस्ट्रोजन एंड वैक्सीन हैं जो कि यूज इन रोबेला माम्स एंड मीजल्स ये टेट्रोजिटी एंड एडवर्स अफेक्ट कॉज करते हैं थैंक यू होप यू लाइक इट